चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है और भी मज़ेदार। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक और नई रेसिपी। रेसिपी क्या है? रेसिपी है सांबर मसाला पाउडर। जो सांबर बनता है उसका मसाला मैं अपने होममेड मसाला जो होता है तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, मेरा सारा सामान मैंने अरेंज कर लिया है। तो अब ये कैसे बनाना है सांबर मसाला पाउडर, तो आप लोग भी देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ये देखिए, एरिक हाय बोल दो। पिज्जा वाला बनाने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पास से दिखा लेती हूँ कि क्या क्या डालना है आपको इस रेसिपी के लिए। सांभर मसाला पाउडर बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको धनिया चाहिए जो मैंने रोस्ट कर लिया है, और दूसरा इंग्रेडिएंट है चावल। चावल भी थोड़े से रेड हो चुके हैं, फिर मैं निकालने जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं जलाना, नहीं तो मसाला आपका जल जाएगा। वैसे इसमें ना रेड राइस डालते हैं, रेड राइस मेरे पास नहीं है तो यही चावल चलेंगे। चावल मैंने उसमें डाल दिए कढ़ाई में ही। अब तीसरा इंग्रेडिएंट डालती हूँ मैं तो ये मेथी दाना और चावल और धनिया हो गया है। अब मैं क्या डालने वाली हूँ? अब मैं डालने वाली हूँ सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो डलता है इसमें, वो डलता है लाल मिर्च, और वो भी मैं भून लेती हूँ पहले। ये A+ की रेड मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें। तो मिर्चें ना, मिर्चें आप लोगों को अपने हिसाब से लेनी है कि कैसा खाते हो आप मसाला। तीखा खाते हो, बिल्कुल नॉर्मल खाते हो, तो उसी हिसाब से मिर्चें लेनी है। ये मैंने इतनी सी मिर्चें ले ली है, मेरे पास तोलने वाला सामान तो है नहीं कुछ, तो मैं आइडिया से डालती हूँ। थोड़ी सी कम कर लेती हूँ, ज़्यादा ही ना हो जाए। तो ये मैंने कर दी है 50 ग्राम तो हुई ये मिर्चें। इनको भी मैं ना अच्छे से भून लूँगी, इनको कड़क कर लूँगी, इतना कड़क करूँगी कि ये मशीन में मिक्सी में चल पाए और बिल्कुल इसका पाउडर बन पाए। जब तक मिर्चें भूनती हैं तब तक हम लोग कड़ी पत्ते के पत्ते निकाल देते हैं। पत्तों को भी हम लोगों ने ऐसे ही सुखाना है ताकि इसका पाउडर बन जाए, क्योंकि अभी तो ये गिल्ले पत्ते हैं, गिल्ले पत्ते पीसेंगे तो उसमें से पानी निकल आएगा, तो इनको भी सुखाना पड़ेगा अच्छे से कढ़ाई में, और ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे तो ये मसाला बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इसकी पत्तियाँ निकाल देते हैं जब तक मिर्चें तैयार होती हैं हमारी। कड़ी पत्ता तो मेरा इतना फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते की खुशबू। ये मैंने कड़ी पत्ते निकाल दिए हैं, कड़ी पत्ते मैंने साफ कर दिए थे पहले, तो इनको भी फ्राई करते हैं। मिर्चें हो गई है, ये मिर्चें देखो हमारी कड़क हो गई है। अब मैं मिर्चें ना निकाल देती हूँ, नहीं तो ये जल जाएगी मिर्चें। अब मैं डालती हूँ इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते ना डाल के ऐसे कढ़ाई में मैंने रख दिए, क्योंकि कढ़ाई में फ्लेम जल रहा है तो ये खुद ही कड़क होंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रखूँगी तो जल जाएंगे। मैं जब भी सांभर बनाती हूँ ना, तो मैं अपना घर पे सांभर मसाला ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना
घर का बना हुआ सांभर मसाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बेंगलोर 2-3 बार होके आई हूँ, तो मुझे वहाँ से ये क्रेज़ सांभर इडली डोसा बनाने का इतना क्रेज़ आया था कि मैंने पूरा सांभर इडली डोसा सब कुछ बनाना सीख लिया। तो साथ साथ में मैंने मसाला भी बनाना सीखा है, तो मसाला बहुत ही अच्छा बनता है घर का। बाज़ार के अकॉर्डिंग, बाज़ार से अगर कंपेयर किया जाए तो घर का मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए कड़ी पत्ता ना ऐसे सूख गए और ये बिल्कुल कड़क हो गए, आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को, ये देखिए। तो अब ये पीसने के लिए तैयार है। अब मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे वाली कढ़ाई में। अब इसमें डालते हैं दूसरा वाला इंग्रेडिएंट। मैंने डाल दी इसमें उड़द दाल, मतलब उड़द दाल मतलब दूल्हे माँ। अब इसको भी ब्राउन करेंगे अच्छे से, आंच ज़्यादा नहीं करनी है, आंच ज़्यादा करोगे तो ये मसाला जल जाएगा, मसाले में जला हुआ टेस्ट आएगा। जितनी लो फ्लेम पे इसको बनाओगे उतना ज़्यादा मसाला अच्छा बनेगा। लो फ्लेम पे तो हर एक चीज़ अच्छी बनती है, जल्दी जल्दी बनाओगे काम निपटाने वाला करोगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। एरिक आया था अभी खांसी करके चला गया, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तीखी हैं, मुझे भी लग जाती है। ये देखिए ये दाल बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसको भी शिफ्ट कर देते हैं। अब मैंने डाल दी है इसमें चना दाल, चने दाल को भी ऐसे ही ब्राउन कर देंगे, बिल्कुल जलाना नहीं है कोई भी मसाला। बार बार आप लोगों को मैं बता रही हूँ, क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाता है जले हुए, अगर कोई भी चीज़ जल जाएगी ना तो मसाले का टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है दाल, अब मैं इसको भी शिफ्ट कर देती हूँ। मैंने डाल दी इसमें हल्दी डाले हैं मैंने 3 से 4 चम्मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है हल्दी, नहीं तो हल्दी का ही टेस्ट आएगा आप लोगों के मसाले में। तो इसको बिल्कुल ना लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो आपकी हल्दी हो जाएगी काली जल के। ये ऑलमोस्ट हो गई है, क्योंकि हल्दी बहुत जल्दी हो जाती है। बंद कर दिए मैंने गैस और ऐसे ही इसको चला रही हूँ, कलर चेंज हो गया ना। चलिए अब मैं इसको ना शिफ्ट कर देती हूँ फटाफट, नहीं तो जल जाएगी। ये मेरे सारे मसाले भुन के हो गए हैं तैयार। अब इसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे, बिल्कुल पतला पाउडर बनाएंगे इसका, मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। ये मैंने बड़ा वाला बाउल ले लिया है, और बाउल देख लीजिएगा आप लोग भी कि बाउल गीला ना हो अंदर से, अगर गीला होगा तो पाउडर ख़राब हो सकता है। तो ये बिल्कुल सुखा के आप तभी इसमें डालना, क्योंकि हम लोग बाउल यूज़ करते रहते हैं तो कई बार गीला भी हो जाता है। तो इसको अच्छे से सुखा के ही इसमें पाउडर डाले सारा मसाला जो भी है। ये मैंने सारा डाल दिया है इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो होती है धनिया की, धनिया इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए पहले पीस लेते हैं, मैं पीस के दिखाती हूँ कि कैसा ये बन के तैयार होता है। सो गाइस ये देखिए, ये आया है हमारे सांभर मसाला पाउडर का कलर, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। ये देखिए अभी थोड़ा सा गर्म है तो मैंने पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए रखा है। तो अगर आप लोगों को भी ये सांभर मसाला रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी, टेस्ट आया सांभर में, नहीं आया सांभर में टेस्ट, तो एक बार बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।